जी हाँ दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं वीवो GT1 प्रो के बारे में, जो कि भाई कल 4 मई को इंडियन मार्केट में लॉन्च किया जाएगा। और इसकी लॉन्च प्राइस तो अभी कंफर्म नहीं है, तो प्राइस करीब 18 से 19 हज़ार होने वाली है इसकी जो प्राइस होगी। तो भाई ये फ़ोन है जो कि अदर फ़ोन को टक्कर देने के लिए एकदम बेस्ट फ़ोन, बहुत तगड़ा, इसमें कमाल कमाल के फीचर्स भरे हुए हैं। तो चलिए इसकी जानकारी हम विस्तार रूप से जानते हैं। अगर वीवो GT1 प्रो के बारे में बात करें तो ये फ़ोन, इसकी डिस्प्ले की बात करें तो इसमें जो कि 90 हर्ट्ज़ का पैनल लगा, जो कि आपको गेमिंग करने में काफ़ी स्मूथनेस प्राप्त होगी। जब आप इसे स्क्रॉल करेंगे या गेमिंग वेमिंग करेंगे तो आपको काफ़ी स्मूथनेस प्राप्त रहेगी। और इसके कैमरा की बात करें तो बैक साइड पे इसके 64 मेगापिक्सल का एक प्राइमरी सेंसर लगा है, जो कि मैं कहूँ तो ठीक ठाक कैमरा क्लिक करता है। और बात करें इसके दो मेगापिक्सल के, एक वाइड एंगल लेंस है, एक माइक्रो लेंस है। और फ्रंट जो है इसका 16 मेगापिक्सल का, जो कि एक ठीक ठाक शूटर कैमरा है, आपको सेल्फी प्रोवाइड करेगा। और बात करें इसके प्रोसेसर की तो इसमें क्वालकॉम स्नैपड्रैगन 778G लगा, जो कि एक 6nm बेस्ड प्रोसेसर है। और ये 6nm पर कार्य करता है, जो कि बहुत ही फास्ट और गेमिंग के लिए काफ़ी अच्छा प्रोसेसर है। और बात करें तो वीवो GT1 प्रो जो फ़ोन है, वीवो क्लेम करता है कि ये 18 मिनट में आपको 50% चार्ज करके देगा, 18 यानी लगभग 40 से 45 मिनट में आपका 0 to 100% कर देता है। उसमें वो GT1 प्रो में 66 वाट का एक फास्ट चार्जर है, जो कि वीवो GT1 प्रो भी वो क्लेम करता है कि ये फ़ोन आपका 18 मिनट में 50% चार्ज कर देगा, तकरीबन आपको 45 मिनट में आपको 0 to 100 चार्ज कर देगा। तो भाई चार्जर के लिए थम्स अप, आप बहुत तेज़ी के साथ अपना फ़ोन को चार्ज कर सकते हैं 0 to 100। इसका जो बैक कैमरा है 64 मेगापिक्सल का, वो मैं आपको बता दूँ एक नाइट मोड कैमरा है, जबकि आप नाइट में अगर आप वीडियो या फ़ोटो आप शूट करते तो आपको अच्छा वीडियो या फ़ोटो आपको देखने को मिल जाएगा, जो कि एक अच्छी बात है नाइट वालों के लिए, जो आप नाइट सिटी में जाता रहते हैं उनके लिए एक बेहतरीन बात। इसके लिए भी थम्स अप वीवो को। अगर मैं वीवो को इस फ़ोन की बात करूं तो ये फ़ोन जो एक वाटर ड्रॉप नॉच के साथ आता है। तो भाई अब वाटर ड्रॉप नॉच कौन देता है, साइड पंच होल या सेंटर पंच होल देना चाहिए, जो कि अच्छा लगता है। वाटर ड्रॉप नॉच अब ओल्ड हो गया, ये मार्केट में नहीं लाना चाहिए, इसके लिए अब मार्केट में नहीं लाना चाहिए, इसके लिए मैं डाउनग्रेड आपको इसको देता हूँ रैंकिंग। और ये एक सुपर एमोलेड डिस्प्ले के साथ आता है, जो कि आप वीडियो या और कुछ अमेजोन प्राइम राइम देखेंगे तो आपको एक बेहतर स्मूथनेस और एक अच्छा क्वालिटी देखने को मिलेगा, जो कि ये एक अच्छी। मुझे इस फ़ोन का ओवरव्यू ऑल व्यू देखें तो मुझे इसका फ़ोन का फीचर्स एक सिमिलर फीचर्स की तरह लगा, सिमिलर फ़ोन के फीचर्स की तरह लगा, ज़्यादा अच्छा फीचर्स नहीं दिया है, जो कि एक सिमिलर फ़ोन में भी मिल जाता है। तो बात करें इसकी लॉन्चिंग डेट की तो ये 4 मई को इंडिया में लॉन्च किया जाएगा 12 बजे। और बात करें ये कितने प्राइस पे आएगा तो भाई तकरीबन 18 से 20 हज़ार के प्राइस पे आएगा, जो कि मैं कहूँगा अगर इस प्राइस पे अगर आप जाते हैं तो आपको इससे अच्छा भी फ़ोन मिल सकता है। तो आई होप गाइज ये जानकारी आपको अच्छी लगी होगी, बट आप प्राइस का कमेंट करके ज़रूर बताना किसकी प्राइस कितनी हो सकती है। मिलते अपने किसी नेक्स्ट वीडियो में किसी और टॉपिक के साथ।